जनपद संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के जारी गेट में लाल मस्जिद के निकट स्थित एक कबाड़ के गोदाम में रविवार के दोपहर अचानक से आग लग गई। धुआं निकलता देख स्थानीय लोगों ने गोदाम मालिक को सूचना दी, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचा और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गए तथा अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मुख्य अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस विषय में मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रताप सिंह ने बताया कि दोपहर में एक कबाड़ के गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये हमारा बंद गोदाम है, उसमें लकड़ी और गत्ता पड़ा रहता है। हम लोग घर पर थे, किसी ने बताया जाके कि तुम्हारे गोदाम में आग लग रही है, उसमें लकड़ी ने आग पकड़ ली, गत्ते ने, इससे गत्ता और लकड़ी जला और कुछ नहीं जला। कितना नुकसान लगा हुआ है आपका? क्या नुकसान हुआ? 10-5 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये नुकसान होगा। तो अभी आपको काबू पा लिया है? हाँ, आपको काबू पा लिया। ज़्यादा कोई हादसा तो कुछ नहीं, फायर ब्रिगेड वालों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, सबसे पहले आ गए, बेचारे 10 ही मिनट में आ गए थे। ये जो है फायर स्टेशन पे जो है आपकी सूचना प्राप्त हुई, तत्काल गाड़ी को रवाना किया गया। तो यहाँ पे जा रही गेट लाल मस्जिद के पास एक कबाड़े का गोदाम है, जिसमें सारा लोहा और टीन और नीचे कागज़ वो आदि भरा हुआ है, और ये आग लग गई। तत्काल हमने आग बुझाना प्रारंभ किया, और क्योंकि गाड़ी एक है, एक गाड़ी भजोई है, दूसरी गाड़ी भजोई से मंगाई गई, और तत्काल है पानी की व्यवस्था करा कर लगातार आग बुझाई जा रही है। क्योंकि उसमें सारा लोहा और टीन है, इसलिए पानी को वहाँ तक पहुँचने में समस्या आ रही है, इसलिए आस्ते आस्ते गोदाम को जो है साफ़ करा कर अग्निशमन कार्य किया जा रहा है। कितने घंटे लगे आपको बुझाने में? इसमें लगभग जो है हमें एक घंटे से ज़्यादा हो गया। मैं ठीक नहीं बता पाऊँगा, अभी देख के डीडी बता पाऊँगा कि मुझे सूचना प्राप्त हुई, क्योंकि मैं भी जो है अचानक भागा उठ कर। तो अभी मैं आपको पूरी डिटेल कि किसका गोदाम है, कितना नुकसान हुआ है, इसको पूरा जो है जांच के बाद बताया जाएगा।